Students, this is Arya sir. I'm starting partnership admission problem number 2. इससे पहले हमने example number 1 की है, अब example number 2 कर रहे हैं. दो partner हैं, अल्ताफ तारिक. दोनों का capital है 1:20 और 80,000. Ratio उनका है profit का 3:2. ठीक है, दोनों partner agree कर रहे हैं कि भाई partnership में नया नया partner admit करेंगे खालिद, और सवाल में बनानी जर्नल एंट्रीज और बनानी बैलेंस शीट. केस वन, खालिद ने इन्वेस्ट किया 1,00,000 कैश, रिसीव कर रहा है 1/3 इंटरेस्ट. यानी खालिद ने 1,00,000 लगाए और खालिद को कितना मिल रहा है, 1/3 मिल रहा है. तो सबसे पहले तो दोनों पार्टनर का कैपिटल अल्ताफ और तारिक का 1:20 बन रहा है, यानी कि 2,00,000. दोनों पार्टनर का कैपिटल है 2,00,000, खालिद लगा रहा है 1,00,000, टोटल बनेगा 3,00,000. और इस टोटल कैपिटल का 1/3 लेंगे तो कितना बनेगा, 1,00,000. इसका मतलब खालिद जितना लगा रहा है उतना ही खालिद को मिल रहा है. तो सिंपली कैश डेबिट, खालिद कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा 1,00,000 से. ठीक है, नरेशन टू रिकॉर्ड द एडमिशन ऑफ खालिद. अब आते हैं बैलेंस शीट की तरफ. तो भाई दोनों पार्टनर का कैपिटल था 1:20 और 80,000. ये लिखा हुआ है अल्ताफ कैपिटल 1,20,000, तारिक कैपिटल 80,000. ये दोनों हमने एज इट इज कॉपी कर दिए. उसके बाद खालिद की इन्वेस्टमेंट आ गई 1,00,000. कैश भी 1,00,000 हो गया, कैपिटल भी खालिद का 1,00,000 इधर आ गया. अब अदर एसेट्स कैसे आएंगे? भाई सवाल के अंदर बैलेंस शीट गिवन नहीं थी, बस सिर्फ एक इक्विटी साइड गिवन थी. उसमें दोनों पार्टनर्स के कैपिटल थे, कितना था, 1,20,000 और 80,000. तो जो 1,20,000 और 80,000 दोनों पार्टनर्स के कैपिटल थे, जितना कैपिटल होगा उतने ही पार्टनर्स के अदर एसेट्स होंगे, यानी कि 2,00,000 के अदर एसेट्स आ जाएंगे. तो यहाँ लिख दिया हमने अदर एसेट्स 2,00,000, कैश हो गया 1,00,000, 3,00,000 हो गया. ऑनर्स इक्विटी प्लस करी 3,00,000 बन गया, टोटल इक्विटी आ गई 3,00,000. ये हो गया हमारा केस वन. अब आते हैं केस टू की तरफ. केस टू पे आते हैं. खालिद ने इन्वेस्ट किया 80,000 कैश एंड रिसीविंग 1/4 इंटरेस्ट. हिज कैपिटल इज टू बी क्रेडिटेड ऑफ द एंटायर अमाउंट ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट. यानी खालिद जितना पैसा लगा रहा है खालिद को उतना ही मिल रहा है. नहीं, खालिद लगा रहा है 80,000 और खालिद को मिल रहा है 1/4. पहले केस में था जितना लगा रहा है उतना ही मिल रहा है, यहाँ ऐसा नहीं. और साथ कह रहा है उसका कैपिटल उसकी इन्वेस्टमेंट से ही क्रेडिट होगा. हिज कैपिटल is to be credited of the entire amount of his investment. यानी खालिद जितना लगा रहा है खालिद को उतना ही मिल रहा है. तो बोनस का पॉइंट क्या होता है कि भाई न्यू पार्टनर जितना लगा रहा है अगर उसको उतना ही मिल रहा है तो ये गुडविल का पॉइंट है. बोनस का पॉइंट क्या होता है, टोटल कैपिटल बढ़ता है पार्टनर की इन्वेस्टमेंट से. गुडविल में क्या होता है, ये मेथड गुडविल का है कि न्यू पार्टनर ने जितना लगाया उतना ही न्यू को मिलेगा, और गुडविल किसकी आएगी, ओल्ड की आ जाएगी. ये गुडविल टू ओल्ड पार्टनर का पॉइंट है कि नया पार्टनर जितने पैसे लगा रहा है उसको उतना ही मिल रहा है. ठीक है, अब इसका मेथड क्या होता है, इसका रेशियो 1/4 और इसकी इन्वेस्टमेंट 80,000. आप दोनों एज इट इज कॉपी करेंगे. यहाँ पर रेशियो कॉपी किया 1/4, इन्वेस्टमेंट लिखी 80,000. अब इन्वेस्टमेंट और रेशियो, यानी 80,000 को मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 1 किया तो क्या आ गया, टोटल कैपिटल आ गया 3,20,000. कितना आ गया, 3,20,000. इसमें से लेस करेंगे अल्ताफ और तारिक का कैपिटल और खालिद के 80,000 ये इन्वेस्टमेंट, यानी जो कैपिटल बनेगा क्योंकि जितना लगा रहा है उतना ही मिल रहा है. इन्वेस्टमेंट अगर 80 है तो कैपिटल भी 80 हो जाएगा. तीनों को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, 2,80,000 आ जाएगा. टोटल कैपिटल में से 280 माइनस करेंगे गुडविल टू ओल्ड पार्टनर आ जाएगी 40,000. ठीक है भाई, ये मेथड है. ये 280 कहाँ से आया, इन तीनों को प्लस करके 120 प्लस 80 प्लस 80 कितना बना, 280. 320 माइनस 280 कितना आ जाएगा, 40,000 गुडविल टू ओल्ड पार्टनर आ जाएगी. अब बनाएंगे इसकी एंट्री. खालिद ने लगाई कितने, 80, मिले भी खालिद को कितने, 80,000. एंट्री बनेगी कैश डेबिट, खालिद कैपिटल क्रेडिट 80,000 से. गुडविल पे आते हैं, 40,000 की ओल्ड पार्टनर की गुडविल है, गुडविल डेबिट 40 से. दोनों पार्टनर के कैपिटल रेशियो के मुताबिक क्रेडिट हो जाएंगे, 40,000 3/5 24,000, 40,000 2/5 16,000.
ये हो गई ओल्ड पार्टनर्स की गुडविल। अब आते हैं केस थ्री की तरफ, सॉरी बैलेंस शीट बाकी, बैलेंस शीट बना लें पहले। कैश लिखा 80,000 जो कि एंट्री से आ रहा है, ये कैश 80 हमने यहाँ नीचे लिख दिया, कैश 80,000। गुडविल है 40,000 एंट्री के अंदर, ये गुडविल कॉपी करी 40,000। उसके बाद दोनों पार्टनर कैपिटल पहले था 2,080 जिसकी वजह से अदर एसेट भी आपका 2,00,000 आ गया। अब दोनों पार्टनर कैपिटल थे 2,080, यहाँ कैपिटल क्रेडिट हो रहा है गुडविल की वजह से 24 से 24 और इसका 16 से, तो यह आ जाएगा 24 प्लस क्या 144, 16 प्लस क्या 96 और खालिद कैपिटल आ जाएगा 80,000 से। यहाँ कॉपी किया, टोटल किया कितना आ गया 3,20,000, टोटल किया 320, इसको भी टोटल किया 320 आ गया। अब आते हैं हम केस थ्री की तरफ, केस थ्री कैसे सॉल्व होगा देखिए। खालिद इन्वेस्ट 40,000 कैश फॉर 1/5 इंटरेस्ट, ओल्ड पार्टनर्स आर नॉट रेडी टू रिड्यूस देयर कैपिटल बैलेंस, ओल्ड पार्टनर्स अपना कैपिटल कम करना नहीं चाहते। खालिद ने लगाए 40 और रेशियो उसका 1/5। ये जो पॉइंट है ओल्ड पार्टनर्स अपना कैपिटल कम करना नहीं चाहते, यानी ओल्ड पार्टनर का कैपिटल कॉन्स्टेंट रहेगा, तो गुडविल किसकी आएगी, न्यू पार्टनर की आएगी। इस पॉइंट के मुताबिक गुडविल न्यू पार्टनर की आ रही है, और अगर ऐसे लिखा होता ओल्ड पार्टनर आर रेडी टू रिड्यूस, यानी ओल्ड पार्टनर अपना कैपिटल कम कर रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया बोनस मेथड में क्या होता है, एक का फायदा दूसरे का नुकसान, बोनस मेथड में क्या होता है, एक का फायदा दूसरे का नुकसान। अगर ओल्ड पार्टनर का अपना कैपिटल कम कर रहे हैं तो बोनस किसका आता है, न्यू का बोनस आता है, और अगर ओल्ड का बोनस होगा तो न्यू का लॉस होगा, ये बोनस का पॉइंट होता है। जबकि गुडविल में क्या होता है, किसी का नुकसान नहीं होता, जैसे लिखा हुआ है ओल्ड पार्टनर अपना कैपिटल कम करना नहीं चाह रहे तो गुडविल किसकी आएगी, न्यू की आएगी। अब इसका मेथड में क्या होता है, ओल्ड का रेशियो चाहिए होगा और ओल्ड की इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, जैसे यहाँ इसका रेशियो 1/5 है, यानी 5 में से एक हिस्सा नए का है, ओल्ड के कितने हिस्से होंगे, 4 हिस्से होंगे, यानी 4/5 ओल्ड का रेशियो बन जाएगा। पहले लिखा मैंने ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल 2,00,000, रेशियो लिखा 4/5। याद रखिए टोटल कैपिटल गुडविल मेथड में और सफिशिएंट कैश में हमेशा रेसिप्रोकल करके निकलता है, यानी रेशियो को उल्टा करके 2,00,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 4। पहले 4/5 कैसे आया, आप दोबारा बता रहा हूं, नए का रेशियो 1/5 था, ओल्ड का रेशियो कितना बनेगा 4/5, 5 में से एक हिस्सा नए का और 4 हिस्से ओल्ड के, ठीक है, ये 4/5 रेशियो था। रेशियो को उल्टा करके मल्टीप्लाई करेंगे ओल्ड पार्टनर के कैपिटल से तो क्या आ जाएगा, टोटल कैपिटल। इस टोटल कैपिटल में से दोनों पार्टनर का कैपिटल और खालिद की इन्वेस्टमेंट प्लस करके माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगी, गुडविल टू न्यू पार्टनर आ जाएगी 10,000, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम एंट्रीज की तरफ, 40,000 से कैश डेबिट, 10,000 से गुडविल डेबिट। न्यू की गुडविल होगी तो एक ही एंट्री में आएगा, ओल्ड की गुडविल होगी तो उसकी अलग एंट्री बनती है, दोनों प्लस करके खालिद कैपिटल क्रिएट हो जाएगा 50,000। बैलेंस शीट पे आते हैं, कैश लिखा 40,000, अदर एसेट वही 2,00,000 आया, यानी इन दोनों का अमाउंट प्लस करके ओल्ड पार्टनर का 1,20,000 और 80,000, यानी के बना 2,00,000। गुडविल आई 10,000, खालिद कैपिटल आया 50,000, ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा 2,50,000 टोटल हो जाएगा दोनों साइड, ठीक है बच्चों। इसी के साथ सर यासर को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।